वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रामदास पातशाह वालों वरोसाई ये जिहड़ी नगरी है जिन्हों अमृतसर सिफती का घर के तौर पर माण है, इत्थे होर धार्मिक स्थान भी ने, शहीदी कहिंदे यादगारां भी ने, ते देश की सरहद के नाल लगता ये शहर है। जिहड़ा इस शहर के हर रोज़ लखां जिहड़े यात्रु इत्थे आउंदे ने, चाहे वह गुरु नानक नाम लेवा दे तौर पर इस दर के श्रद्धालु ने, ते चाहे यात्रु ने, सो उन्हां दी गिणती बहुत वड्डी है जिहड़ी देश दे इतिहास दे अंदर गिणी जांदी है कि धार्मिक स्थान ते वध गिणती कित्थे आ, ते उह श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब विखे हुंदी है। पर उस दे मुकाबलतन इस शहर का जो अज दे समय दे हालात है, खास तौर पर ट्रैफिक का, जिहड़े रस्तियां दी इनक्रोचमेंट का, ते जिहड़ियां बन रही सड़कां, होर जिहड़ा जिन्ना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उहदा बहुत माड़ा हाल है। असी मन लो इस गल लई सरकार नूं कई बार पत्र भी लिख चुके हैं कि इस नगर जिहड़ा श्री अमृतसर साहब आ, इह इतिहासक नगर है जिहनूं एक हवाई अड्डा भी है, रेल यात्रा राही विदेश तों भी जिहड़ी रेल इत्थे तक आउंदी है। सो इस दे शहर की दिख है जिहड़ी, भावें कि इहनूं मैट्रो सिटी के तौर पर इस हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी सरकार ने इस नूं उहदे विच गिणती मिणती कीती है, हो सकता कि फंड भी रिलीज़ किया हो, पर शहर के हालात बहुत माड़े ने। असी इस गल लई सब तो पहला इस अमृतसर साहब की संगत को बेनती करते हैं, संगत को हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि जिहड़े लखां यात्रू इत्थे आउंदे ने नतमस्तक होने वास्ते, उन्हां दे लई बहुत सारिया रुकावटां ते बहुत सारिया मुश्किलां ने। सो मुश्किलां लई तुसीं अगे आओ तां कि जिहड़े इत्थों दे साडे राजनीतिक लोक आ वो इस गल दे वास्ते जिवें कहिंदे आ मजबूर होण ते चकन्ने होण तां उह इस गल दा फिक्र करन। मैं इत्थे किसे एक पार्टी की गल नहीं करदा, असी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिथे प्रशासन नूं आने वाले दिनों में लगातार मीटिंगां करांगे इस सारे प्रबंधों के सुधार लई, उत्थे राजनीतिक पार्टियां चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना होवे, चाहे इत्थों दा जिहड़ा एम पी है, चाहे इत्थों दे एम एल ए ने, चाहे इत्थों दे मंत्री ने, असी सारयां नाल, चाहे इत्थों दे मेयर ने, उन्हां सारयां नाल असी गुरु रामदास पातशाह की इस नगरी के हालातों नूं सुधारन वास्ते कार्ज करांगे। खास तौर पर जिहड़े विरासती मार्ग की स्ट्रीट है जिहड़ी, इस नूं जो ये अज हालात हो चुके ने, इत्थे फड़ियां ला के रेहड़ियां ला के जो इत्थे हालात ने, सफाई का प्रबंध नहीं है, सो जो कुछ अकाली दल की सरकार के समय से इस विरासती स्ट्रीट नूं बनाया गया सी, एक एक जिवें कहिंदे ना वक्खरी दिख सी, ते दुनिया जिहड़ी आ इस समय से इत्थे आ के उस पुरातन दिख दा भी नज़ारा लैंदी सी, ते दरबार साहब नतमस्तक भी हुंदी सी, ते अज भी हो रही है, पर हालात चंगे नहीं हैगे। सो इन्हां सारे गल्लां लई असीं पार्टी तो उपर उठ के हर जिहड़ा प्रबंधक है उस तक पहुँच करांगे, असीं पत्र राहीं भी करांगे, असीं मिल के भी करांगे। सो विच असीं अपील करदे हां इस अमृतसर की संगत नूं कि संगत जिहड़ी है वह क्योंकि बहुत वड्डा व्यापारक केंद्र है, सो वह यात्रुआं करके ही है, जे असीं यात्रुआं दे आए दा माण ते सन्मान नहीं करांगे, उन्हां नूं सहयोग नहीं करांगे, तां आउण वाले समें दे अंदर जिहड़ियां मुश्किलां वह उन्हां दे इत्थे आउण दे च रुकावट बन सकदियां। सो असीं अपील करदे हां हाथ जोड़ के समुच्चे अमृतसर निवासियों नूं कि इस गल लई सहयोग देण, ते राजनीतिक लोकां नूं मजबूर करन कि इस गुरु की नगरी दे वास्ते जिहड़े प्रबंध किए जा रहे उन्हां नूं कंप्लीट किया जाए, सुधारिया जाए, सफाई की जाए, ट्रैफिक का प्रबंध खास तौर पर सुचारू किया जाए, इस गल लई असीं वड्डी आस संगत तों ते इत्थों दे प्रबंधक ते प्रशासन तों करदे हां। जिवें असीं जिक्र किया है कि हैरीटेज स्ट्रीट का बहुत वधिया प्लैनिंग दे नाल हैरीटेज स्ट्रीट नूं बनाया गया सी, इहदी सफाई का प्रबंध किया गया सी, हुण तां उत्थे अवारा कुत्ते जिहड़े आ उह फिरदे ने, यात्रा नूं वढ़दे आ, उत्थे दे गंदगी फैलाउंदे ने, इह सारियां गल्लां वास्ते असीं समझदे हां कि क्यों नहीं ध्यान दित्ता जांदा। असीं इह वी दस दिंदे हां कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी साहब ने विचार की थी कि हैरीटेज स्ट्रीट के इन्हां सफाई के प्रबंधों जे जे प्रशासन नहीं करता तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ये जिहड़ी अंतर कमेटी आ इन्हां दे सारे मैंबर होर संगत दे नाल रल के इहदी सफाई का जिहड़ा बीड़ा चुकणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।